हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेना, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज का ये सुंदर सा समय दिखाया, अवसर दिखाया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो और परमेश्वर के पीछे अपना हृदय अपना मन लगा के परमेश्वर के पीछे चलो और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम कुछ आप सबके लिए वचन लेकर आए हैं, ये वचन हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कब? जब उस समय की यह बात हो रही, जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा, उस समय की यह बात हो रही है। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तब उस समय ललकार और प्रधान का शब्द सुनाई देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग दूत होंगे वो तुरही फूकेंगे। इस छोर से उस छोर तक तुरही की आवाज सुनाई देगी। मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, मतलब कि जो मसीह पर विश्वास करते करते मर गए हैं वो मसीह के, जब मसीह आएगा, जब यीशु मसीह का आगमन, जब रैप्चर होगा, तब जो मसीह में विश्वास करते करते उनकी डेथ हो गई है वो मसीह में पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। क्यों? जैसे कि मसीह भाई बहनों, आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ हम सब भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह के साथ बादलों पर वही उठाए जाएंगे जो पाप ना करते होंगे, जो निष्कलंक होंगे, वही यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग सिर्फ पवित्र लोग जा सकते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, पवित्र बनो, पाप को छोड़ो, पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ पवित्र लोगों को ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पीछे चलो, मेरे वचन पर फोकस करो, तब परमेश्वर आपको स्वर्ग देगा। एरे गेरे नत्थु खेरे उस स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं कि आप पाप भी करोगे और सोचो कि मैं स्वर्ग भी चला जाऊंगा, तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा और यीशु पर विश्वास करेगा करोगे। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आपकी लाइफ में अगर पाप है तो आप पश्चाताप करो, अभी आपके पास समय है। समय रहते ही अपने मन को फिरा लो, पाप से अपने मन को फिराओ और यीशु की ओर मन लगाओ, क्योंकि वही शांति देता है, वही जीवन देता है। कुछ और वचन से हम पढ़ेंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहें। क्योंकि ये वचन बता रहा है कि हम बादलों पर मिले, जब रैप्चर होगा तब मसीह लोग जो यीशु पर अपने पवित्र दिल से जो विश्वास करता होगा मसीह पर, वही केवल बादलों पर उठाए जाएंगे। और इसी रीति से सारे लोग बादलों पर इकट्ठे किए जाएंगे और सबकी वही भेंट होगी, सब वही एक दूसरे को देखेंगे कि ये प्रभु यीशु के साथ ये स्वर्ग में उठाया गया है। जैसे कि मत्ती में लिखा है कि दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, और दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मेरे मसीह भाई बहनों, वो उठाया जाएगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता होगा, जो निष्कलंक होगा वही स्वर्ग में उठाया जाएगा। इसीलिए पाप को छोड़ो, यीशु के पीछे चलो, क्योंकि फैसला आपके हाथ में है। जीवन को चुनना है या मृत्यु को चुनना है, फैसला आपके हाथ में है। लेकिन यीशु ने कहा है, जहां तक हो सके तो जीवन को ही तो चुन। और मेरा भी कहना है मसीह भाई बहनों कि आप जीवन को चुनिए, क्योंकि यीशु ही जीवन देता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, ये छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और ये वीडियो एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। सभी को जय मसीह की।